रतलाल जी जब पहुंचे हैं कहां, प्रयागराज तीर्थ में, संगम के तट पर पहुंचे, तो वहां सबने कहा भैया भरतलाल त्रिवेणी है, संगम है, स्नान कर लीजिए इसमें। भरतलाल जी ने कहा नहीं, मैं स्नान नहीं करूंगा। अरे ये संगम है, गंगा यमुना सरस्वती है, दुनिया के लोग त्रिवेणी स्नान करने आते हैं, संगम स्नान करने आते हैं, लेकिन भरतलाल ने कहा कि मैं स्नान नहीं करूंगा। क्यों? बोले इसलिए क्षमा करना मेरे को, गंगा और यमुना के साथ साथ इसमें सरस्वती भी है, ये वही सरस्वती है जिसने मेरी माता की बुद्धि को, मति को कुमति बना दिया, मेरे राम को, मेरे प्रभु को 14 वर्ष वनवास में भेज दिया। नहीं करूंगा मैं स्नान, नहीं करूंगा स्नान नहीं किया। भरतलाल जी ने त्रिवेणी संगम पर मां गंगा से प्रार्थना की है, मांगा है, क्या मांगा है, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान वान। भरतलाल कहते हैं मुझे अर्थ नहीं चाहिए, ऐसा अर्थ किस काम का जो अनर्थ का कारण बन जाए, और अर्थ अनर्थ का कारण होता है। जिसकी बुद्धि अर्थ प्रधान, अनर्थ उसके जीवन में सूत्र है। अनर्थ कहां, कब उठते बैठते चलते फिरते, दिन में रात में, भीतर बाहर, अर्थ अर्थ अर्थ, जहां अर्थ प्रधान बुद्धि है वहीं अनर्थ है। मुझे धर्म भी नहीं चाहिए, भरतलाल कह रहे हैं मुझे धर्म भी नहीं चाहिए, ये धार्मिक होने का टाइटल नहीं चाहिए मुझे, लोग धार्मिक कहकर के पुकारे। अरे ऐसा धर्म किस काम का जो मेरे परम धर्म श्री राम से मेरे को दूर कर दे, नहीं चाहिए ऐसा धर्म। श्री राम कौन है? रामो विग्रहवान धर्म, श्री राम ही तो धर्म स्वरूप है। राम जी जब मेरे को छोड़कर चले गए, वो धर्म चला गया, तो मुझे अब कौन सा धर्म चाहिए, कौन सा धर्म? अर्थ न धर्म न काम रुचि, कोई कामना नहीं मेरी, कोई रुचि नहीं। यहां तक भरतलाल जी ने तो यह कह दिया, गति ना चाहूं निर्वाण, नहीं चाहिए मुझे मुक्ति, मोक्ष नहीं चाहिए, न मोक्षस्य आकांक्षा। शंकराचार्य जी, मोक्ष भी नहीं चाहिए तो क्या चाहिए भरतलाल? किसी ने पूछा, बोले मेरे को तो एक ही वस्तु चाहिए, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नान, बार बार मैं जन्म लेता रहूं, बार बार जन्म लेता रहूं, और जन्म लेकर प्रभु श्री राम जी के प्रति जो मेरा अनुराग है, प्रेम है, उत्तरोत्तर बढ़ता रहे, बढ़ता रहे, बढ़ता रहे। प्रेम की मांग की है, प्रेम की याचना की है।